जीडीसी रहने गए, हम लोग पर रोक लगाए तो मैं तो इधर रजिस्टर में क्यों साइन करेगा? घर से बुला बुला करके पैसे दे करके साइन करवाने का चीज है तो कंगाली करते हैं क्या? हमारे 24 तारीख को टेंडर डलाया था, टेंडर खुलने समय गोपनीय रूप से टेंडर खुलता है और वहाँ चेयरपर्सन के हस्बैंड क्या करते हैं जब टेंडर खुलता है? मेरा एविडेंस देना मतलब कैमरा फुटेज निकाला जाएगा तो भाई हम मांग रहे हैं। नहीं यही काम रहेगा, यही मतलब हमको पहले जवाब दे, साबित कर दे कि कौन मेंबर पैसा लिया, साबित हम साइन किया। सच्ची में बोल रहा हूं, कौन लिया? हां ये चीज बोल रहा हूं, सदस्य नहीं किया, सदस्य नहीं बोल रही है। आप 50,000 और भी कोई मतलब नहीं है, आप क्या करिए? हम लोग मतलब नहीं है, जिसके पास समर्थन है वो अध्यक्ष रहेंगे, उनको हम भी मांगेंगे। हां उसका आगे हम लोग को जवाब चाहिए। अभी तो आपको ये मीटिंग से हम लोग ये सदन में हम लोग ये सदन को बहिष्कार कर रहे हैं। आप बहिष्कार कीजिए लेकिन हम तो बैठेंगे जब तक फोरम पूरा नहीं। बताइए मैं आज बहिष्कार किया, बैठक का क्या कारण रहा? कारण हम लोग को तो उस दिन 30 तारीख को हम लोग अविश्वास के लिए 26 लोग साइन करके दिए थे तो वो चीज़ को हम लोग को क्लियर अभी तक कोई लेटर वेटर नहीं निकला है। डीसी महोदय अभी तक कोई लेटर नहीं इशू की है तो हम लोग ये जो मीटिंग सामान्य बैठक चल रहा तो उसको हम लोग अर्जेंट में अभी 17 लोग साइन करके दिए और बाकी ऑन द वे है, रास्ते में है, उन लोग भी प्रेजेंट हम लोग के साथ हैं और हम लोग ये मीटिंग को सामान्य बैठक को बहिष्कार किए। हम लोग जितने सदस्य लोग हैं बहिष्कार किए। बहिष्कार करने का कारण क्या है? कारण ये है कि उस दिन हम लोग अविश्वास के लिए दिए, 26 लोग दिए तो उसका कोई किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ, मतलब किसी तरह का कोई अभी तक किसी तरह का कोई आवेदन नहीं डीसी महोदय के द्वारा दिया गया तो हम लोग कैसे मानेंगे उसको? हम लोग समान बैठक को कैसे ये मिले, पक्ष मिले? हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसका बहिष्कार करने का, क्यों बहिष्कार करना पड़ रहा है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो हम लोग का सभी सदस्य लोग मिलकर के अध्यक्ष बनाए और वो हम लोग इसलिए अध्यक्ष बनाए कि चलो सबको एक तरह से सभी का क्षेत्र में जो हम लोग का सभी लोग 31 मेंबर अध्यक्ष छोड़ करके 30 मेंबर हैं तो हम लोग जहाँ से आए हैं वो जनता हम लोग को मांग रहे हैं कि क्या हम लोग को जिला परिषद से कोई विकास का काम नहीं हो रहा है और सही तरीका से नहीं, यहाँ मनमाना ढंग से किया जा रहा है। जो भी होता है अध्यक्ष अपना कोई सदस्य तक के यहाँ चढ़ते नहीं है, जब योजना होता है ये उसमें भी पारदर्शिता नहीं रहता है। जैसे उसमें देखते हैं कि अध्यक्ष महोदय अपना ये जो अगला 24 तारीख को टेंडर हुआ उसमें 40 लाख का अपना योजना दिए, जैसे लोग सदस्य लोग भी देखे कि 12 लाख 10 लाख दे रहे हैं तो इसी तरह मनमाना ढंग से अपना कर रहे हैं और विकास का काम एक साथ लोग को सदस्य लोग को लेके नहीं चलते हैं। और ये जो हम लोग का सभी सदस्य हैं जो लोग के मन में बहुत तरह का विचार होता है कि जैसे हम लोग का जमीनी स्तर पे काम हो वो काम में हस्तक्षेप करते हैं इन लोग। गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हाँ भ्रष्टाचार का तो आयोग जैसे हम लोग का जो लोकतंत्र में है जो हम लोग पंचायती चुनाव जो करवाती है मतलब हम लोग इतना देखा जाए 31 सदस्य में हम लोग 17 महिला है तो पंचायती राज चुनाव मतलब कि महिला लोग को महिला सशक्तिकरण को 50% आरक्षण दिया है तो जब आरक्षण दिया है तो हम लोग खुद बागदौर जनता हम लोग को एक एक सदस्य को
40-50 लोग जनता चुन के लाए हैं, तो खुद से हम लोग निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें देखा जाता है तो हस्तक्षेप का हम अध्यक्ष महोदय का जो चेयरपर्सन का जो हस्बैंड हुए वो सब चीज में हस्तक्षेप करते हैं कि ये बाधा पहुंचाते हैं, ये नहीं होगा, वो अपना ढंग से करना। जैसे सभी पदाधिकारी लोग भी सूचना देते हैं कि चेयरपर्सन है फोन नहीं करके उनके हस्बैंड धमकाते हैं, डराते हैं। तो हम लोग को कहना है कि नहीं, जो भी है हम लोग को क्या है कि जमीनी से जुड़ा हुआ जो जनता से वादा करके आए हैं वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। जिला परिषद अध्यक्ष कोई विकास कार्य नहीं कर रही है, कमीशन का खेल है। वो तो आप लोग को भी पता होना चाहिए, हमारे सब ये सदस्य माननीय सदस्य लोग उन लोग बताएंगे, हम कैसे डायरेक्ट आरोप लगा सकते हैं, सभी लोग अपना बताएंगे। अच्छा, तो डीडीसी ने कहा है कि आप जो आवेदन दिए हैं उसमें कुछ सिग्नेचर मिसमैच हुआ है, उसकी जांच की जा रही है, ऐसा है क्या? यहाँ सभी सदस्य लोग बैठे हुए हैं ना, वर्तमान में अध्यक्ष की अध्यक्षता में लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है, बहिष्कार कर रहे हैं। सिग्नेचर मिसमैच जो आप आवेदन इसके पहले के लिए 26 लोगों का जो साइन करके दिया है, हाँ, तो उस पर जांच, बाकी जो उधर गए हैं तो वो तो स्वेच्छा पूर्वक सभी लोग के बीच में करके दिए हैं, तो उस पर जांच किया जा, उसमें क्या है, थोड़े लोग हम लोग जो है अटल है, हम लोग हैं आज यहाँ पे जितने लोग हैं तो बैठे हुए हैं, तो उन लोग से सदस्य लोग से भी पूछ सकते हैं। जैसे हमारे माननीय सदस्य उत्तम जी, हमारे सुनीता मैडम जी के सामने हस्ताक्षर किए हैं, आशा मैडम थी, प्रहलाद महतो थे, सबके सामने हस्ताक्षर किए हैं। अब वो आप लोग के सामने इस तरह का बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्य है, अब कैसे बोल सकते हैं। तो वो तो डीसी मैडम जांच करेंगी ना, उनको ये मैं संज्ञान में दिए हैं, हम आगे दिए हैं। जैसे कि ये नहीं होता है कि हम अविश्वास के लिए सभी लोग वहाँ हाजिर हों, वो दो आदमी भी दे सकते हैं जा करके, पांच आदमी भी दे सकते हैं, ऐसा हम लोग तो वहाँ अविश्वास तो नहीं, वो तो पत्र सौंपने गए थे। जैसे उन लोगों ने बोले, सदस्य लोग कुछ लोग बोले, जैसे मेरी अध्यक्ष महोदया बोल रही थी, तो ये तो सरासर गलत बोल रही थी, वो तो जांच करने की चीज है। क्या हुआ आज जिस तरह से जिला परिषद की बैठक 7 तारीख जिला प्रशासन जिला परिषद की बैठक आहूत की गई है और इसकी सूचना सभी संबंधित माननीय सदस्य को, माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सभी संबंधित पदाधिकारी जो जिले के हैं, आज आहूत है बैठक। अभी तक कोरम पूरा नहीं हुआ है, यदि कोरम पूरा होता है तो बैठक की कार्यवाही चलेगी, यदि कोरम नहीं पूरा होता है कार्यालय अवधि में तो फिर हम लोग इस बैठक को अध्यक्ष के आदेश से हम लोग इस बैठक पर आगे का कार्रवाई। अभी जिला उपाध्यक्ष ने, मतलब जो जिला परिषद को उपाध्यक्ष, उन्होंने क्या, इन्होंने कुल 17 सदस्यों के साथ हस्ताक्षर से इन्होंने दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में, तो इनको तो देना था उपायुक्त महोदया को, इन खैर हमको अगर दिए हैं तो हम उपायुक्त महोदया तक इसको पहुँचाएँगे, लेकिन प्रॉपर चैनल होता है कि ये डायरेक्ट ये मिल करके और उपायुक्त महोदय को देंगे। उपाध्यक्ष महोदय बैठक का बहिष्कार किया, हाँ, इनका कहना है कि हम लोग बहिष्कार करते हैं तो हम किसी को दबाव नहीं बना सकते हैं, बलपूर्वक जबरदस्ती हम नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन अगर कोरम पूरा हो जाता है तो बैठक की कार्रवाई। कितने सदस्य के साथ बहिष्कार? 1/3 है उसका कोरम का, 1/3 मतलब कि 10+1 अध्यक्ष सहित 11 लोग होने चाहिए, क्योंकि 31 का ये कंपोजिशन जो है जिला परिषद का 31। कितने लोग हैं अभी मैंने बैठक में? अब ये तो देखे नहीं हम, अभी का अटेंडेंस हो रहा है। बहिष्कार होने की स्थिति में क्या बैठक होगी? बहिष्कार, देखिए बहिष्कार अगर कोरम पूरा हो जाता है तो बैठक होगी,